हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियोस ऑफ एनएस एजुकेशन। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। हेलो गाइस, ये कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे जिनमें ये कहा जा रहा है, कल मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, कि पीवी की परीक्षाओं में शामिल होंगे करंट अफेयर्स के प्रश्न। इसके अलावा कौन कौन सा पैटर्न चेंज हो रहा है सब कल उस वीडियो में मैंने बताया था। तो मैंने आपको सीधे सीधे शब्दों में बताया था, फिर भी आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जैसे मेरे पास कमेंट आया है कि सर, संविदा वर्ग 2 का सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या या कुछ नया इंक्लूड होगा? ठीक है, कुछ और ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जैसे आपका एक तो वर्ग 1 के लिए आ रहा है कि वर्ग 1 का करंट का क्या होगा, एमपीएसआई का सिलेबस चेंज हो रहा है क्या? तो मतलब एमपीटीटी का 29/12/2018 को एग्जाम है, उसमें भी पैटर्न चेंज होगा क्या? ठीक है, तो ये सब इन सब चीजों के जवाब देने के लिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया है। कुछ एक एक कमेंट आया, सर ऐसा अगर कुछ हुआ तो क्या माना जा सकता है कि सिलेबस में कितना बदलाव होगा और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? सर, वैकेंसी कब आएगी प्लीज बताओ, पटवारी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, एक न्यूज है कि ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 परीक्षा होगी रद्द। देखिए, न्यूज पेपर को क्या होता है ना, कॉलम भरना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अभी यही पेज एक ओपन है, आप इसमें नंबर ऑफ एड्स देख लीजिए कितने सारे हैं। ठीक है, आप यहां से लेके पूरे पेज पे सिर्फ इतनी सी न्यूज है। देखिए, इतनी न्यूज है, ए के पीवी के अन्य डाला हुआ है, ए इनके वो है सब मैसेज वैसेज करने के लिए, शेयर करने के लिए, इतनी सी आपकी ये न्यूज है। इस न्यूज में भी देखिए, एक ए एड डाला हुआ है, एक ए एड है, एक ए एड है, एक ए एड है, ये सब आपके देखिए ये एड चल रहा है। देखो यहां पर भी पूरे पूरे पेज पे देखिए, आप पूरे पेज पे केवल और केवल आपको एड मिलेगा। इतना इनकी एड से ही बहुत ज्यादा कमाई होती होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये केवल पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम न्यूज वालों का इसलिए है, इनने ये न्यूज लिखी है, इसका एज सच कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, आपके लिए इंपॉर्टेंस है, आपको एक चीज समझनी है कि पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है वो क्या हो रहा है। न्यूज जो आती है आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कमेंट आया है कि सर, जेल प्रहरी का रिजल्ट कब तक आ रहा है? देखिए, ना तो न्यूज वालों को ये चीज पता होती है, ना किसी यूट्यूबर को ये चीज पता होती है कि जेल प्रहरी का रिजल्ट कब आने वाला है। वो क्या करते हैं, न्यूज उठाते हैं और न्यूज का एक वीडियो बनाते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो न्यूज पेपर वालों को हो सकता है एक आध दिन पहले जानकारी होती हो, क्योंकि ये सब चीजें होती है कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये कभी भी लीक नहीं करी जाती हैं। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बताया कल ही ये वीडियो मैंने बताया था कि 2 से 3 महीने बाद होने वाली परीक्षाओं में देश और प्रदेश से जुड़े हाल ही में हुए बदलावों को परीक्षाओं के पैटर्न में जोड़ा जाएगा। तो देश और प्रदेश में हाल में जो बदलाव हुए हैं, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर की बात करी जा रही है, लेकिन कब? 2 से 3 महीने बाद होने वाली परीक्षाओं में। अब ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये न्यूज कब की है, ये है पब्लिश डेट 13 दिसंबर 2018 की। तो यार, दिसंबर के बाद 2 से 3 महीने मतलब मार्च और अप्रैल की बात करी जा रही है। तो आप खुद से एक चीज समझने की कोशिश करो कि वर्ग 2 का जो एग्जाम है वो तो अभी होना है, जनवरी में होगा, वर्ग 1 का एग्जाम अभी आपका आने वाला है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 का पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं किसी भी चैनल पे आप जाके देख लो, आपको फर्जी चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको देखो या नहीं देखो, मेरा मैटर नहीं है, लेकिन आपको सही जानने का अधिकार है, आपको सही पता होना चाहिए। इससे आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा कोई मतलब नहीं था नहीं तो इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब होने की आपको जरूरत नहीं है। पैटर्न एग्जाम का एक बार सिलेबस आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद पैटर्न चेंज नहीं होता है। 99% चांस होते हैं कि उसका पैटर्न नहीं चेंज होगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसा केस है, यार खुद से आप बताइए, आपने सिलेबस दे दिया, ठीक है, आपने पूरी तैयारी कर ली उनके सिलेबस के हिसाब से, अब आपको 10 दिन पहले 15 दिन पहले क्या पैटर्न चेंज कर देंगे क्या वो एग्जाम का? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आगे अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, आप कांस्टेबल की वैकेंसी कब आ रही है ये मुद्दा आता है। तो देखिए, कांस्टेबल की वैकेंसी अभी बात हो रही है कि कितनी वैकेंसीज निकालनी है डिपार्टमेंट को, अभी डिपार्टमेंट में इशू चल रहा है, डिपार्टमेंट से फिर सरकार के पास इशू जाएगा, सरकार फिर उसको सेंक्शन करेगी, फिर डिपार्टमेंट जाके व्यापम को बोलेगा भैया ये निकालना है, फिर व्यापम उसकी तैयारी करेगा।
तो इस पूरी प्रोसेस में 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। आप इस चीज को पॉजिटिव में लीजिए कि आपको 2 से 3 महीने का समय एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है समय आपको, आपको और अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी। जो भी पैटर्न चेंज होना है, करंट अफेयर चेंज होना है, कंप्यूटर चेंज होना है, मैथ चेंज होना है, अंग्रेजी चेंज होना है, उसकी यार थोड़ी सी तैयारी करना शुरू कर दो अभी से, आपको सब पता चल जाएगा। कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़नी है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना शुरू कर दो, IoT पढ़ना शुरू कर दो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप अभी से सी चीजें शुरू कर दो ना, करंट अफेयर पूरा पढ़ लो ना यार। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तो आप बिल्कुल रट मारो कि 6 महीने के जो टॉप करंट अफेयर्स हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ टॉप करंट अफेयर्स जो है पिछले 6 महीने के, उनको मैं बनाने का सोच रहा हूँ, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं उसको करंट अफेयर को बनाऊंगा, जो भी टॉप करंट अफेयर्स हैं मतलब। और आगे आगे एक सीरीज भी लेके आने का सोच रहा हूँ मैं, कि जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स हम सब डिस्कस करेंगे, हर दिन के डेली करंट अफेयर का ये वीडियो आपको मिलेगा। तो दोस्तों यही इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग फालतू की चीजों से डाइवर्ट हो रहे हैं वो डाइवर्ट ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।